सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने पहुंचे हैं। ये आपको तस्वीरें दिल्ली की इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन भी किया गया है, जिसका शुभारंभ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से होगा। फिलहाल दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज है और ऐसे में राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता है और इसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने फिलहाल पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। इसके बाद आपको बताएं, एकता दौड़ का आयोजन भी किया गया है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, वहां से इस दौड़ का शुभारंभ किया जाएगा। देश के अलग अलग जगहों पर आज एकता दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केवड़िया आज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन सब के बीच, चूंकि दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, तो वो पहुंचे हुए हैं सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। इसके बाद एकता दौड़ का आयोजन भी किया गया है, कई लोग इसमें हिस्सा लेंगे, युवा खास करके इसमें हिस्सा लेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इसका शुभारंभ किया जाएगा और फिलहाल तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में आज हिस्सा लेते हुए दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं अमित शाह। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने के लिए केवड़िया आज पहुंच रहे हैं। वहां पर भी कई तरह के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका शुभारंभ किया जाना है, बहुत से विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी यहां पर किया जाएगा। अमित शाह सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए पटेल चौक पर। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और यहाँ गृहमंत्री अमित शाह को फिलहाल आप देख पा रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृहमंत्री अमित शाह ने पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें आज नमन किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर ही आयोजित एकता दौड़ का शुभारंभ भी बस सबसे कुछ ही मिनटों के बाद हो जाएगा। 7:20 पर इसका आयोजन किया गया है और वहां भी अमित शाह दिखाई देंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। आज पूरा देश नमन कर रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ऐसे मौके पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं, उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि देते हुए दिखाई दिए। गृहमंत्री अमित शाह, जगदीप धनखड़ भी उनके साथ इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। सरदार पटेल को पुष्पांजलि देते हुए अमित शाह। और वहीं सबसे खास आयोजन गुजरात के केवड़िया में आज किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इन सब के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज एकता दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज एकता दौड़ का भी आयोजन दिल्ली में किया गया है, जिसका शुभारंभ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से होगा अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद। बताया जा रहा है 7:20 पर आज एकता दौड़ का आयोजन दिल्ली में किया गया है। कई युवा दिल्ली के इसमें शामिल रहने वाले हैं, आम लोग इसमें शामिल रहने वाले हैं, कुछ VIP और बड़े चेहरे भी इसमें आपको दिखाई देंगे। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज याद करने, उसकी सीधी तस्वीरें।